एक बहुत महान दार्शनिक थे जिनका नाम था सुकरात, सोक्रेटिस। और एक बार एक यंग लड़का उनके पास आया और बोलता, गुरुजी मुझे कामयाबी का सीक्रेट बताइए, रहस्य बताइए। और सुकरात ने बोला, ठीक है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, एक काम करिए कल सुबह आप आइए और मुझसे नदी किनारे मिलिए, हर सुबह मैं नदी किनारे जाता हूँ नहाने के लिए मेरे शिष्यों के साथ, तो आप मुझसे वहीं पर मिलिए और मैं आपको सिखाऊंगा कामयाबी का सीक्रेट क्या है, कामयाबी का रहस्य क्या है। तो वो नवयुवक जो था, यंग लड़का, बहुत उत्साहित था और समय से पहले वो वहाँ पहुँच गया। तो सुकरात ने बोला, आओ मिलकर स्नान कर लेते हैं, मिलकर नहाते हैं और उसके बाद नहाकर जब आप बाहर आएंगे तो मैं आपको कामयाबी का सीक्रेट बताऊंगा। और धीरे धीरे उन्होंने किनारे से नदी के अंदर चलना शुरू किया और जैसे जैसे नदी के अंदर जा रहे थे पानी जो है ऊपर तक आता चला जा रहा था, पानी गले तक आ गया, धीरे धीरे पानी ऊपर बढ़ रहा है और नहाने के लिए तो पानी घुटनों तक भी काफ़ी था। अब ये लड़का हैरान है, परेशान है, लेकिन अब कामयाबी का सीक्रेट ढूंढने आया है। सुकरात का नाम बहुत बड़ा है और उन्हें मना भी नहीं कर सकता है और उसके लिए अब आगे बढ़ पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी जद्दोजहद के बीच में वो था, पानी यहाँ तक पहुँचा हुआ था और सुकरात ने अपने शिष्यों को इशारा किया और उन तीन चार शिष्यों ने मिलकर उसके कंधों से उसको पानी के अंदर डुबाने के लिए कोशिश करना शुरू कर दिया। अब वो लड़का छटपटा रहा है पानी के अंदर, लेकिन वो चार शिष्य हैं सुकरात के जिन्होंने उसको मजबूती से पानी के अंदर दबा रखा है। धीरे धीरे उसका शरीर अब नीला पड़ने लगा और तुरंत जैसे ही सुकरात को लगा कि अब इससे ज़्यादा ये लड़का सहन नहीं कर पाएगा, उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि अब तुम इसे छोड़ दो। हाँफते हुए किसी तरह से उस लड़के की सांस में सांस आई, वो बाहर आया, तुरंत दौड़कर किनारे पे आया। कुछ सेकंड लगे, कुछ मिनट लगे उसको संभलने के लिए और वो गुस्से से आग बबूला था और सुकरात को देखते ही वो बोला कि गुरुजी मैंने तो आपसे कामयाबी का सीक्रेट पूछा था, आपने तो मुझे मारने की साजिश रच दी। सुकरात ने बोला, एक सवाल का जवाब दो, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। सवाल बहुत सरल है, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम किस चीज को खोज रहे थे, किस चीज को ढूंढ रहे थे और किस चीज के लिए छटपटा रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे? उसने बोला, हवा के लिए। तो सुकरात ने बोला, जिंदगी में याद रखना, जिस तरह से तुम हवा के लिए छटपटा रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे, अपनी पूरी ताकत लगा दे रहे थे, जब तुम कामयाबी के लिए उसी तरह से प्रयास करना शुरू कर दोगे मेरे दोस्त, उस दिन कामयाब हो जाओगे। और दुनिया में जितने भी लोग कामयाबी के शिखर पर पहुंचे हैं उनमें ये खास चीज़ है कि उन्होंने जिस अपने मकसद को वो पूरा करना चाहते थे उसके लिए खुद को पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ झोंक दिया। दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ 1%। अगर आप भी उस 1% की कैटेगरी में आना चाहते हैं, वैसी इच्छा रखते हैं और ज़िंदगी में आपका कोई भी लक्ष्य हो सकता है, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई रैंक अचीव करना चाहते हैं, कोई गाड़ी अचीव करना चाहते हैं, पेरेंट्स को फॉरेन ट्रिप पर लेके जाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए लेगेसी खड़ी करना चाहते हैं, फिनेंशियल फ्रीडम बनाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रिप्स करना चाहते हैं, अपने शर्तों पर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आज ये वीडियो आपको 7 कमाल के सीक्रेट देने वाला है। 7 कमाल की ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो दुनिया के हर अमीर कामयाब इंसान को मालूम है और उन्होंने फॉलो की हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 7 चीज़ों को गौर से सुनिएगा, समझिएगा। हो सकता है आप ऑलरेडी कुछ चीज़ों को जानते हो, लेकिन इन 7 को एक साथ हम लोगों ने बहुत सारी रिसर्च कर आपके लिए इस एक वीडियो में इकट्ठा किया है, तो ज़रूर इस वीडियो का लाभ उठाइए। और जो भी लक्ष्य, जिस भी क्षेत्र में आप कामयाबी पाना चाहते हैं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों के इन 7 फॉर्मूलास को ज़रूर फॉलो करिएगा। और आज जहाँ पे भी आप हैं, मेरा दावा है अगले कुछ महीनों में आप उससे कहीं बेहतर पोजीशन में अपने आप को पाएंगे, अपने लक्ष्य से अपने आप को और नज़दीक पाएंगे। पहला काम जो दुनिया का हर कामयाब इंसान करता है वो क्या है? गोल सेटर एंड गो गेटर। दो बातें मैंने साथ में रखी हैं इस बार, गोल सेटर एंड गो गेटर। कामयाब इंसान रियलिस्टिक गोल सेट करते हैं। गोल बड़े होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन गोल रियलिस्टिक होने चाहिए, ऐसे गोल जो आपके हों, जिन पे आप भरोसा कर पाएं, वैसे गोल सेट करना ज़रूरी है। तो हर कामयाब इंसान पहला काम करता है गोल सेट करता है। नो आई हैव सीन पीपल पर्सनली, आई हैव लिव्ड माई लाइफ लाइक दिस, कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको मालूम है ऑलरेडी कि आपको आज कौन से 3 काम करने हैं, कौन से 4 काम, कौन से 5 मेन काम करने हैं। यू नो दिस क्लैरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोल्स और कुछ करें या ना करें आपको क्लैरिटी देते हैं। रॉबिन शर्मा बोलते हैं क्लैरिटी प्रोसीड्स
सक्सेस पहले क्लैरिटी आती है, उसके बाद कामयाबी आती है। लेकिन गोल्स को लिखना काफ़ी नहीं है, यू नीड टू गेट ऑन टू एक्शन। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, यू नीड टू बी गोल सेटर प्लस यू नीड टू बी गो गेटर। लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके पीछे पड़ जाइए, लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके पीछे पड़ जाइए, डोंट जस्ट स्टे देयर। बहुत बार लोगों को ये वहम होता है, मैं बड़े गोल सेट करूंगा और कमाल हो जाएगा। और मैंने देखा है वो बड़े गोल सेट करते हैं और सालों तक उन गोल्स को निहारते रहते हैं, लाइक नथिंग विल मूव माय डिफरेंस टिल द टाइम यू मूव। सो नॉट ओनली बी अ गुड गोल सेटर बट बिकम अ गो गेटर। कामयाब लोग दूसरी क्या चीज़ करते हैं, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन लक, दे डोंट डिपेंड ऑन लक। कामयाब लोग ये नहीं सोचते हैं कि अब किस्मत मेरे लिए सब कर देगी, उन्हें मालूम है उन्हें अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। किसी शख्स ने कमाल की बात कही है, द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट, द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट। कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस माई डियर फ्रेंड्स। लोग रातों रात रेंडमली बाय चांस ऐसे ही कामयाब नहीं हो जाते। आपने किसी कामयाब इंसान को सुना ऐसा कि बस जी मैंने यूं ही दो तीन चीज़ें करी और मैं कामयाब हो गया? चाहे आप मार्क जुकरबर्ग को ले लें, चाहे आप रे क्रॉक को ले लें, चाहे आप ले लें एलन मस्क को, और चाहे आप ले लें जेफ बेजोस को, दे ऑल फॉलोड ऑल द सेवन प्रिंसिपल्स दैट आई एम सेइंग एंड दे ऑल क्रिएटेड देयर ओन लक, क्रिएटेड देयर ओन लक। जिस समय में जिन कंपनीज को उन्होंने शुरू किया, जिस तरह के कामों को उन्होंने शुरू किया, उससे पहले भी उन्होंने उस तरह के काम किए थे और हजारों लोगों ने उस समय में सेम काम किए थे, बट दे डिडंट डिपेंड ऑन लक एंड दे कंटिन्यूड विद देयर हार्ड वर्क एंड दैट्स व्हाट मेड ऑल द डिफरेंस। यू नो वट दे डिड डिफरेंटली, शिव खेरा साहब भी ये बात बोलते हैं कि विजेता कुछ अलग काम नहीं करते हैं, हर काम को अलग ढंग से करते हैं और उस काम को बेहतरी से हर बार बेहतर होते चले जाते हैं, इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को सुधारते चले जाते हैं। द मोर यू स्वेट द लकियर यू गेट, जितना पसीना बहाओगे उतनी किस्मत तुम अपने लिए खड़ी करते जाओगे, अपनी बेमिसाल किस्मत को बनाते चले जाओगे। अमीर लोग तीसरी खास चीज़ जो हमेशा याद रखते हैं, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, दिस इज माई फेवरेट, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। कामयाब लोग वो करते हैं जो उनसे करने की उम्मीद की जाती है, जो उन्हें करना ज़रूरी होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो करते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा। जब उनके सारे ज़रूरी काम जो करने ज़रूरी थे वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद वो फिर से शुरू करते हैं और कुछ नए प्रोजेक्ट्स लेते हैं, कुछ नई रिसर्च करते हैं, कुछ नए चैलेंजेस लेते हैं और नई चीज़ों पर काम शुरू कर देते हैं। यू नो इवन देर आर फ्यू थिंग्स विच आर बोरिंग, कुछ काम होते हैं जो बोरिंग होते हैं, जिनको करने में मज़ा नहीं आता, आनंद नहीं आता, इसके लिए 99% लोग उनको छोड़ देते हैं। बट दीज पीपल, सक्सेसफुल पीपल, दे गो द एक्स्ट्रा माइल, प्लस उन्हें बोरियत से भी प्यार होता है और उन्हें मालूम है कंसिस्टेंटली लगातार करते रहेंगे तभी बात बनेगी। दे अंडरस्टैंड गोइंग एक्स्ट्रा माइल इज वर्थ इट, वर्थ इट। आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, इट्स अ ट्रैजिक थिंग ऑल्सो। यू नो मैं जब इवेंट्स में जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ किसको बड़ी बेमिसाल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबी चाहिए, हाथ खड़ा करिए, एवरीबडी विल रेज देयर हैंड। एक्स्ट्रा लंबी कार, एवरीबडी विल रेज देयर हैंड। एक्स्ट्रा बिग बैलेंस, एक बहुत बड़ा घर, सबके हाथ खड़े हैं। कौन एक्स्ट्रा मेहनत करने को तैयार है, देन एवरीबडी यू नो हाथ नीचे हो जाते हैं। जिंदगी में एक ऑर्डिनरी पर्सन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स कर सकता है, बट ओनली थिंग इज आप जिस तरह का काम करेंगे उस तरह के परिणाम आपको मिलेंगे। अगर सेम काम करेंगे तो सेम परिणाम मिलेंगे। आदत डाल लीजिए एक्स्ट्रा काम करने की, कम काम करने की कोशिश जो करना शुरू कर देते हैं ना, आप समझिए जिंदगी फिर उनके रिवॉर्ड्स भी काटना शुरू कर देती है। सो गो द एक्स्ट्रा माइल। चौथी चीज़ जो दुनिया का हर अमीर और कामयाब इंसान फॉलो करता है, दैट इज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। Honesty and integrity. If you want to be at the top 1%, speak with honesty and act with integrity. Speak with honesty and act with integrity. ईमानदारी बहुत जरूरी है, ईमानदारी बहुत जरूरी है। Practice the reality principle in everything you do. अपने जिंदगी के कुछ सिद्धांत बनाइए, अपने जिंदगी की वैल्यूज डिसाइड करिए और अपनी जिंदगी में कुछ आइडियल्स बनाइए, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाइए और उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जिंदगी को जीना शुरू करिए। और जिंदगी में असली ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी वाले लोग पता कौन होते हैं, जो उस समय भी सही चीज़ें करते हैं जब उन्हें कोई देख नहीं रहा होता है। आप अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस खड़ा करना है ना आपको, तो मॉरल्स और एथिक्स की बुनियाद पे ही आप एक बड़ा बिजनेस जिंदगी में खड़ा कर सकते हैं। सो यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर इंटीग्रिटी फॉर एनीथिंग। पाँचवीं चीज़, सीकिंग रिजल्ट्स। मैंने डायरेक्ट सेलिंग में 14 साल काम किया, 4 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया, 18 साल से आई हैव बिन वर्किंग एंड आई हैव सीन दिस फिफ्थ क्वालिटी in every successful person and that is seeking results, seeking results. All rich and successful people, they are result driven individuals. वो इस बात की importance को समझते हैं कि जिंदगी में सीखते रहना ज़रूरी है, सीख कर अपने आप को बेहतर करना ज़रूरी है और बेहतरी के साथ साथ results बेहतर करना ज़रूरी है।
अगर आपकी इस साल की इनकम पिछले साल के जितनी ही है तो फिर आपने पिछले एक साल भर में किया क्या? आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं जी, हम स्टेबल हैं। लेकिन स्टेबिलिटी जिंदगी में कुछ नहीं होती, या तो आप ग्रो करते हैं या तो फिर आप नीचे जाते हैं। 99% नेटवर्क मार्केटर्स यूं ही पिछले कई सालों से सेम इनकम पे ऊपर नीचे 10 से 20 पे स्ट्रगल करे जा रहे हैं। कुछ लोग 5 से 10 हज़ार के बैंड में यूं ही स्ट्रगल करते चले जा रहे हैं। नो, यू नो दीज पीपल हैव ओनली वन प्रॉब्लम, एंड इन्हें क्या लगता है, बस काम करते चले जाओ रिजल्ट तो आ ही जाएंगे, काम करते चले जाओ तो रिजल्ट तो आ ही जाएंगे। अगर सेम काम करोगे तो सेम रिजल्ट आएंगे, अलग रिजल्ट चाहिए तो अलग माइंडसेट चाहिए, अलग टूल सेट चाहिए, अलग स्किल सेट चाहिए, अलग तरह के एटीट्यूड के साथ, अलग तरह की एक्टिविटीज के साथ काम करना पड़ेगा। मेरे कोच टोनी रॉबिन्स हमेशा मुझे एक चीज़ बोलते हैं, दीपक जो काम परिणाम देते हो ज़्यादा करो, जो परिणाम नहीं दे रहे उन्हें कम करो। और लोगों के रिजल्ट सेम क्यों हैं पिछले कई सालों से लगातार? बिकॉज वो सेम काम जो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं उनमें करते करते ना, उनको बार बार करते करते वो मास्टर हो गए। दे हैव बिकम एक्सपर्ट्स एट डूइंग स्टूपिड थिंग्स, दे हैव बिकम एक्सपर्ट्स एट डूइंग थिंग्स विच शुड नॉट बी डन एट ऑल। और एक और चीज़ मैं बोलता हूँ, बहुत बार ट्रेनिंग्स में क्या बोला जाता है, रिजल्ट्स पे फोकस करो, रिजल्ट पे फोकस करो। मैं भी बोल रहा हूँ रिजल्ट पे फोकस करो, और अच्छे रिजल्ट्स आने के लिए आपको अपने आप को लगातार बेहतर करना ज़रूरी है। और ये तब हो पाएगा जब आप अपने रिजल्ट्स को मॉनिटर करते हैं, अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करते हैं, रिजल्ट्स के लिए काम करते हैं। तो रिजल्ट्स के लिए ज़रूर काम करिए। नंबर 6 इज़ वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल क्लासिक, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जितने बड़े गोल्स होंगे उतनी बड़ी स्ट्रगल आएंगी। 5 लाख रुपए महीना कमाने के लिए अलग जर्नी है, 50 लाख के लिए अलग है, 5 हज़ार के लिए अलग है, 50 हज़ार के लिए अलग है। तुम अपने लक्ष्य चुनो, और जब तुम बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हो उन बड़े लक्ष्य के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री साथ साथ में क्या आती है, बड़ी स्ट्रगल्स, बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं। और हम में से बहुत सारे लोगों को पता क्या लगता है, जो लोग जिंदगी में टॉप पे पहुंचे हैं ना, क्योंकि अब वो टॉप पे पहुंच गए हैं इसीलिए वो पॉजिटिव बातें करने लगते हैं। नो माय डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड is not the results of being successful. Your success is the result of positive mental attitude. Positive mental attitude कामयाबी के बाद नहीं आता। आप positive mental attitude के साथ काम करिए, उसके बाद कामयाबी आती है। हर दिन की जब आप शुरुआत करें, कल क्या हुआ उस सबको भूलते चले जाइए, जो सीखना था सीख लीजिए, और उन learnings को लेते हुए आज इस नए दिन की कमाल की शुरुआत करिए। हर दिन नया है, हर दिन नई चीज़ें की जा सकती हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढ लीजिए। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, एलन मित्तल साहब ने एक बात कही थी कि टफेस्ट ऑफ द स्टील्स गोज थ्रू हॉटेस्ट ऑफ द फर्नेस। बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का स्टील जो होता है ना, वो सबसे गर्म भट्टी में से निकलता है। सोने में भी चमक तब आती है जब वो आग के से गुजरता है, जब उस सोने के साथ वो सुनार लगातार उस आग के अंदर में उसके साथ काम करता है ना, तब जाकर उस सोने में चमक आती है। सोने में चमक कैसे आती है, हीरे में चमक कैसे आती है, रगड़ने के बाद, आग से गुजरने के बाद। तो जब भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिंदगी आपको चमकाना चाहती है, जिंदगी आपकी वैल्यू बढ़ाना चाहती है, और इस पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ बढ़ते चले जाइएगा। हेलन केलर ने एक बात कमाल की कही थी, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। अपनी आंखों को, अपनी निगाहों को, अपने चेहरे को सूरज की तरफ रखिएगा, आपको अपनी परछाई दिखाई नहीं देगी। ट्रेन योर माइंड टू सी गुडनेस इन एवरी सिचुएशन, एवरी पर्सन एंड इन एवरीथिंग दैट यू कम अक्रॉस। और सातवीं चीज याद रखिएगा, रिलैक्सेशन एक्टिविटीज। रिलैक्सेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करिए, अपने सारे एफर्ट्स डालिए, और एक पॉइंट पर जाने के बाद में अब रिजल्ट्स की चिंता छोड़ते हुए थोड़ा सा रिलैक्स करना शुरू करिए। यू नो यू नीड टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, यू नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम, बट यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू हैव सम टाइम टू योरसेल्फ। चाहे वो कोई स्पोर्ट ले लें, चाहे आप मेडिटेशन ले लें, चाहे अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप नेचर में रहें, डू व्हाटएवर सूट्स यू, बट रिलैक्स योर सेल्फ एट द एंड ऑफ एवरी डे, एट द एंड ऑफ एवरी वीक, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। टेक हॉलीडेज, एंजॉय योर लाइफ, एंड देन यू कैन बी रिचार्ज, रिफ्रेश्ड, री एनर्जाइज टू डू बिगर थिंग्स इन लाइफ। आप मेडिटेशन करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन 3 से 5 मिनट तक अगर आप सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर लें कि सांस कैसे अंदर आ रही है, सांस बाहर कैसे जा रही है, दैट एक्सरसाइज इटसेल्फ विल रिलैक्स यू अ लॉट माय डियर फ्रेंड। सो टेक सम टाइम एवरी सिंगल डे, 24 घंटे में से टेक सम टाइम टू रिलैक्स, टू ब्रीद, टू बी विद योरसेल्फ एंड जस्ट टू बी हैप्पी एंड प्लेफुल एंड पीसफुल। नो, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा माय डियर फ्रेंड, मुझे नहीं मालूम ये सातों आप में है या नहीं है,
लेकिन आप में कुछ ना कुछ तो यूनिक है, कुछ ना कुछ तो खास है, और आप में वो सब है जो आपको ज़िंदगी में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहिए। अगर भगवान ने आपको कोई लक्ष्य दिया है तो फिर उसको पूरा करने की ताकत, सामर्थ्य, बुद्धि, विजडम भी उसके लिए दी है। यू आर यूनिक माई डियर फ्रेंड्स, यू हैव यूनिक टैलेंट्स। सबको मिलेनियर बनने की ज़रूरत नहीं है, सबको मर्सिडीज़ और रोलेक्स की ज़रूरत नहीं है। यू डिसाइड व्हाट डू यू वांट, आपको ज़िंदगी में खुशी क्या देता है, और उसके लिए काम करना शुरू करिए। आप यूनिक हैं, आप कमाल के हैं। ना सिर्फ आपकी शक्ल अलग है, आपकी पूरी बॉडी अलग है, बल्कि आपका सब कुछ अलग है। भगवान ने आपको यूनिक बनाया है। तो अपने कुछ यूनिक गोल सेट करिए, वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं, जो आपको आपकी ज़िंदगी का पर्पस लगता है, उसके पीछे काम करना शुरू करिए। आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारा पोटेंशियल और प्रतिभा है, उसको बाहर निकलिए एंड गो फॉर योर ड्रीम। आई एम विद यू एंड आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। आइए मिलकर कमाल करते हैं, आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए। कीप राइजिंग माई फ्रेंड, लव यू।